तो वायर्स के लिए यहाँ पर दो तरीके हैं ज्वाइन करने के। वायर क्रॉसिंग, अगर वायर एक वायर को दूसरे वायर को पहला वायर क्रॉस कर रहा है तो इस टाइप का डायग्राम बनाते हैं। एक लाइन सीधी होगी एंड वन लाइन विल बी लाइन दिस। इसका मतलब कि ऊपर वाला जो वायर है नीचे वाले वायर को क्रॉस कर रहा है, तो ये वायर क्रॉसिंग का डायग्राम होता है। इसी तरह से अगर वायर ज्वाइंट है, वायर को ज्वाइन किया गया है, तो इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। और उसके बाद में आता है रेजिस्टर। तो रेजिस्टर वर्ड या रेजिस्टेंस वर्ड आप आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन रेजिस्टर का मतलब होता है कि कोई भी वायर, सिंपली कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसका डायग्राम अगर बनाना है कनेक्टिंग वायर को छोड़ के, या फिर आप वायर छोड़िए अगर किसी भी डिवाइस का, अगर मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर डिवाइस लगा के नहीं दिखा रहे हैं बल्ब या एनीथिंग, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये जिगजैग लाइंस का मतलब होता है कि आपको पता है कि जब भी करंट किसी डिवाइस के अंदर जाएगी, मतलब चार्ज अगर डिवाइस के अंदर जाएगा, तो वो डिवाइस कुछ टाइम के बाद थोड़ी सी गर्म हो जाती है। उसका रीजन क्या है कि जो डिवाइस के अंदर के पार्टिकल्स हैं वो चार्ज पे चलने का अपोज करते हैं, तो उस अपोजिशन की वजह से थोड़ी सी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए पाथ सिंपल अगर होता तो ऐसे बनाया जाता। जिगजैग पाथ का मतलब ये है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं डिवाइस के वो अपोजिशन कर रहे हैं, पाथ टफ है, अपोजिशन कर रहे हैं किसका, चार्ज के मोशन का। तो ऐसा वाला सिंबल बनाया जाता है रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस वर्ड का ग्रामेटिकल मीनिंग ये है अपोजिशन। तो रेजिस्टर या रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे बनाया जाता है। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ऐसे ही बनाएंगे। वेरिएबल मतलब रेजिस्टेंस कम या ज्यादा हो रहा, लगातार चेंज हो रहा है, तो उसका सिंबल ऐसे बनाते हैं। इसका अदर नेम जो है रियोस्टेट भी होता है, रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टर। तो उसमें आप क्या कर देंगे, ऐसे करके एक एरो और बना देंगे। ओके, तो ये सिंबल किसका है, वेरिएबल रेजिस्टर। तो यहाँ तक आपके सारे सिंबल्स जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उनसे कोई भी सिंबल पूछा जा सकता है कि ये सिंबल जो है वो बनाकर दिखाइए कि फॉर दिस कंपोनेंट दिस टाइप ऑफ सिंबल वैल्यू है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, अच्छे से रिवाइज करना है आपको। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स नेम इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो सबसे पहले तो ओम्स लॉ जो है दैट इज ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ओम्स लॉ है। ठीक है, तो ओम्स लॉ जो है वो एक्चुअली क्या होता है, तो ओम्स लॉ का मतलब होता है कि किसी भी सर्किट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है बैटरी, क्योंकि बिना बैटरी के सर्किट ऑपरेट ही नहीं होगा, बैटरी या सेल। तो उसका अदर नेम मैंने बताया था आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस का अदर नेम वोल्टेज भी होता है। तो सर्किट में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज को चलाने के लिए, मोशन कराने के लिए। और दूसरी चीज, जब पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज जो है वो सर्किट में क्या करेगा, मूव करेगा। और चार्ज के मोशन को क्या बोलते हैं, करंट। तो दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, एक वोल्टेज और दूसरा करंट। ओके, तो अब एक चीज सोचिए कि हमने एक सर्किट डिजाइन कर लिया, इट इज लाइक दिस। ठीक है, अब जो सर्किट हमारा डिजाइन है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, मींस हमने कोई ना कोई वोल्टेज दिया, सपोज दैट 5 वोल्ट हमने दे दिया उसको, 5 वोल्ट की बैटरी है, या फिर बैटरी ऐसी है जिसमें वोल्टेज चेंज हो सकता है 5, 10, 15, 20। तो मान लीजिए आपने 5 वोल्ट दिया उसको वोल्टेज, तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, बल्ब ने ग्लो किया। ठीक है, अब आपने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ा दिया 10 वोल्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली बल्ब जो है वो पहले से ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा उसको जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है। इसी तरह से हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं 15 वोल्ट 20 वोल्ट, तो जितना हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, जितना हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उतनी ही ज्यादा करंट बढ़ती जा रही है। तो उसका मतलब वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं उतनी करंट बढ़ेगी, या फिर दूसरे वर्ड्स में बोले तो अगर करंट ज्यादा है, करंट अगर हमें ज्यादा मिल रही है, तो इसका मतलब कि ऑलरेडी वोल्टेज जो है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो इसका मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। दूसरी चीज, एक बात और ध्यान रखनी है कि सीधा करंट का रिलेशन वोल्टेज से ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अदर थिंग्स से भी रिलेशन हो, जैसे सर्किट किसी ऐसी जगह रखा जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वोल्टेज के बढ़ाने से करंट तो बढ़ेगी, लेकिन जिस चीज में, जिस डिवाइस में हम करंट भेज रहे हैं उसमें अब पहले से ही हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो ऐसी जगह रखा है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो इसके लिए हम कुछ जो है वो कंडीशंस लेकर चलते हैं, जैसे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमें एक वर्ड ये यूज करना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो देन क्या होगा,
कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो करंट जो है वो वोल्टेज पर डिपेंड करेगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो सबसे पहले अब आपको यहाँ से लॉ, जितने जहाँ भी वर्ड लॉ यूज हो रहा है वहां आपको डेफिनेशन में हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है, इट स्टेट्स दैट, ठीक है। तो आपने बोला ओम्स लॉ में, इट स्टेट्स दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, सबसे पहले ये बोला, फिर बताएंगे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के। और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कॉन्स्टेंट। उसके बाद हम लिखते हैं ये लाइन, क्योंकि हमने जो बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसको हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा फॉर्मूले के लिए। तो अब यहाँ पर फिर से एक कंट्रडिक्शन आता है कि आप जो स्टेटमेंट बता रहे हैं उसमें आपने बोला पहले करंट, कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, लेकिन यहाँ आप लिख रहे हैं पहले वोल्टेज, तो इसका मतलब हो जाएगा वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इस कंट्रडिक्शन को रिमूव करने के लिए याद रखिएगा कि हमेशा क्या होता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज जो स्टेटमेंट है उसका मतलब हुआ कि करंट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है वहां डिपेंड्स ऑन, सीधी सी बात है कि V और I दोनों में पहले क्या चेंज होगा? V, उसके अकॉर्डिंग ही तो I चेंज होगा, तो यानी कि I जो है वो V पर डिपेंड करता है। तो जो स्टेटमेंट है, जो लैंग्वेज है, उसमें हम पहले बोलेंगे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब डिपेंड्स ऑन। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में पहले I लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, दैट विल बी रॉन्ग। पहले हमें V लिखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वहां वर्ड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है लेकिन उसका मीनिंग क्या है? डिपेंड्स ऑन। तो करंट किस पे डिपेंड करती है? वोल्टेज पे। अब जब हम फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करेंगे तो फॉर्मूले में हमें पहले V क्यों लिखना है? क्योंकि सर्किट में पहले क्या लगा होता है, कौन सा कंपोनेंट लगा होता है, ये जो हम लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं हम सर्किट को देखे पहले क्या आया, पहले वोल्टेज आया फिर करंट आई, तो V पहले लिखा जाएगा फिर प्रोपोर्शनल फिर आई। फिर हमने ये रिमूव किया, जब हम रिमूव करते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये आपने नाइन्थ में भी देखा था, तो एक कॉन्स्टेंट आता है। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या आ रहा है? R, R को यहाँ लिखा कॉन्स्टेंट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू आर आई, पहले आया कॉन्स्टेंट, फिर हमने इसको चेंज करके आई आर लिख दिया, क्योंकि पहले वो चीजें लिख दी हमने जिनका रिलेशन हमने बनाया था, पहले V पहले आई और लास्ट में आर कर दिया। फिर हम नेक्स्ट लाइन में जो कॉन्स्टेंट है उसको लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, जहाँ आर क्या है, R is a constant and its relation is this, okay?